हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज है संडे और संडे की शुरुआत में कर रही हूँ मीठे से, यानी कि आज ना ही तो लंच बनाने का झंझट है और ना ही ब्रेकफास्ट की जल्दीबाजी। तो फ्रेंड, मैं बना रही हूँ मटका कुल्फ़ी और इसके लिए मैंने दूध ले लिया है। और दूध फ्रेंड काफ़ी गाढ़ा हो गया था क्योंकि ये एक दिन पहले का दूध है, मतलब पुराना दूध है। तो कई बार जब गर्म होता है तो वो बहुत ही गाढ़ा हो जाता है फ्रेंड्स। और उसी में मैंने एक ब्रेड जो है डाल दिया है और उसके बाद मैंने चीनी डाल दिया है और उसके बाद थोड़ा घुलने तक उसको छोड़ दिया। और उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको मैं मिक्सी में जो है एक दो राउंड घुमा लूँगी। और देखिए, इसका जो है टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही क्रीमी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और दूध को कभी भी गाढ़ा करने के लिए कुछ भी उसमें डालते हैं हम लोग फ्रेंड, जैसे कभी ब्रेड डालते हैं, कभी कॉर्नफ्लोर डालते हैं और कभी कस्टर्ड पाउडर डालते हैं। तो फ्रेंड मतलब कई तरीके से जो है दूध को गाढ़ा किया जा सकता है। और कभी प्योर दूध का भी बनाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया और मैंने इसमें इलायची भी डाला था फ्रेंड्स। मैं बताना भूल गई थी क्योंकि मटका कुल्फ़ी में जो है इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रख दिया है मैंने जमने के लिए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने योगा के लिए। और फ्रेंड आज मैं जो है मतलब पहले इसलिए आइसक्रीम जमाई हूँ फ्रेंड्स में, यानी कि मटका कुल्फ़ी, क्योंकि वो सवेरे अगर सुबह सुबह जल्दी जमा देते हैं तो वो दोपहर तक खाने लायक हो जाता है। और आज है संडे, तो आज है घर में ही सौरभ, तो उसे मतलब खाने के लिए मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा। क्योंकि मार्केट का खाने से अच्छा है कि घर में बनाओ। और वो मतलब इतना ही ज़्यादा वो शौकीन है, मतलब खाने का प्रेमी है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स का, कि उसे ना मतलब मार्केट से भी मंगवा के खा लेता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही उसे बना के दिया करूँ। और फ्रेंड, मैंने जब से योगा शुरू किया है, एक्सरसाइज शुरू किया है, तो मुझे ना मतलब अंदर से एक बोलते हैं ना अलग सी एनर्जी आई है मुझ में। क्योंकि पहले जो आलस बहुत ज़्यादा मुझे लगता था, अब वो आलस मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और माइंड हमेशा जो है ना मतलब अच्छा रहता है, खुश रहता है, शांत रहता है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरा ये जब से मैं रूटीन में शामिल की हूँ, अगर एक दिन भी किसी कारण अगर मुझे छोड़ना पड़ जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं फिर भी फ्रेंड्स इसको है ना, अगर मैं मॉर्निंग में किसी कारण नहीं कर पाती हूँ, अगर किसी भी कारण, तो मैं दोपहर या नाइट में करती हूँ। तो मुझे है ना मतलब एक्सरसाइज जब तक नहीं करती हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इसके है ना मुझे काफ़ी सारे ना रिजल्ट भी अब देखने को मिल रहे हैं। भले मेरा मोटापा के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मोटापा मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ मेरे जो है हिप में मतलब थोड़ी सी मोटापा है, आप लोग देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। मेरा जो है कमर थोड़ा चौड़ा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपना जो है कमर का चर्बी को कम करूँ। और यहाँ सौरभ बहुत हंस रहा था फ्रेंड्स, मतलब पता है अकेले में तो अच्छे से योगा मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लेकिन अगर घर में कोई हो ना तो बस मतलब हंसी का पात्र बन जाती हूँ। सबके घर में होता होगा फ्रेंड, क्योंकि अकेले में योगा और एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होता है। और अगर बच्चे हो तो बच्चे ना बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ सौरभ मुझे अजीब अजीब सी है ना मतलब बातें बोल रहा था, लेकिन मैं ना इग्नोर कर रही थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ। अभी मैंने ना इधर अटका दिया है और अभी मैं एक्सरसाइज भी कर ली फ्रेंड्स, और पूरी गर्मी लगने लग गई थी मुझे। तो मैंने सोचा चलो अभी है ना जाके फूल भी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि बाहर तो धूप आ गई है फ्रेंड्स। तो मैं सोची चलो ये जो पसीने वाला काम है ना अभी साथ साथ कर लेती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद फ्रेंड पसीना तो आता ही है, तो उसी बीच मैं सोची चलो पसीना सुखाने से पहले ही जाके पसीने वाला दूसरा काम कर लो। तो मैं जाके फूल भी तोड़ ले आई फ्रेंड पूजा के लिए। और मैं कैमरा लेके नहीं गई थी बाहर, क्योंकि ना गर्मी लग रही थी, तो मुझे लग रहा था मैं जल्दी जल्दी पहले तोड़ लूँ, तो मैंने सिर्फ हाथ धुलाई किया और जाके मैं फूल तोड़ के लिए आई हूँ फ्रेंड्स। बोलने में भी लड़खड़ा रही हूँ। और मैं देखिए फैन चला के, देखिए तो फैन चला के मैं बैठी हूँ, और मैं थोड़ा सा ना रिलैक्स हो लूँगी, थोड़ा पसीना अपना सुखा लूँगी, और उसके बाद मैं फिर जो भी है गर्म पानी लूँगी और चाय लूँगी। तो आज मैं लेमन वाली टी ले रही हूँ, और मैं अभी कोई ड्रिंक नहीं बना के पी रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं मतलब बता नहीं, चाय की जो एक आदत है ना, तो मतलब चाय ही अच्छा लग रहा है। तो हाँ ये है कि मैंने मॉर्निंग में दूध वाली चाय को है ना अभी बिल्कुल स्किप कर दिया है। तो मॉर्निंग में मैं नींबू वाली या फिर लेमन टी पीती, ये सॉरी ग्रीन टी पीती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी जो मॉर्निंग के जो है ड्रिंक में मैं कुछ है ना ड्रिंक भी से मतलब ऐड करूँ, जैसे धनिया का पानी, जीरे का पानी, सौंफ का पानी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो सब
शरीर के लिए मतलब फायदेमंद है, बहुत ही बेनिफिट है उसके जो है पानी में, तो इसलिए मैं भी वो भी ऐड करूँगी धीरे धीरे। तो अभी तो मेरा इतना काम हो गया है फ्रेंड्स, और अब मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी सारे घर की क्लीनिंग करूँगी और नहा के पूजा करूँगी और उसके बाद खाना बनाऊंगी, क्योंकि आज संडे है तो सभी घर। और मेरा आज का ये ब्रेकफास्ट है, और सौरभ को मैं भी मैं दे रही हूँ, और सौरभ को सिर्फ वाटर मेलन खाना है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मॉर्निंग से काम में लगी हुई थी, सामने से आप लोगों से नहीं मिल पाई थी फ्रेंड्स, तो अभी मिल रही हूँ। और अभी देखिए खाना जो है अभी मैं सबका डालूंगी, तो अभी दोपहर के बज रहे हैं लगभग 2 फ्रेंड्स, और खाना मैं निकाल रही हूँ सबके लिए, तो आप लोग बने रहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मैं निकाल लेती हूँ खाना, और फ्रेंड आज होता है संडे, तो आज बेडशीट वगैरह में चेंज करती हूँ, और आज मैंने शैम्पू भी किया है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारी थाली लग गई है फ्रेंड्स, और एक थाली में आपको सब्जी नहीं दिखेगा, तो ये सौरभ की थाली है फ्रेंड्स, वो सिर्फ चोखा लेगा, तो उसके लिए मैं चोखा जो है डालूँगी अभी। और खाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ऐसे जो हमारा ये कुल्फ़ी जम गया है, तो अब कुल्फ़ी सभी ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और सौरभ को तो बस उसे पूरा चाहिए, और वो बोल रहा था मम्मी आप इतना कम क्यों जमाई हो, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा बना देती हूँ ताकि वो 2 दिन तक खाते रहे, लेकिन है ना उसको कम दिख रहा था, तो मैं बोली आज है ना दूध कम था, मैं बना दूँगी, फिर अभी तो पूरी गर्मी बाकी है, मैं बनाते रहूँगी। और उसके बाद फ्रेंड ये है ना नाइट का क्लिप है, तो यहाँ है ना जो हम लोग गुलाब जामुन रसगुल्ला लाते हैं तो रस बच जाता है, तो वैसे हम लोग तो फेंक देते हैं, लेकिन अगर उसको किसी तरह यूज किया जाए ना तो वो खाने के काम भी आ जाता है, और हमारे जो है पैसे वेस्ट होने से भी बच जाते हैं। तो यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है मैंने 2 कटोरी, और उसमें मैंने लिया है 4 चम्मच सूजी, और उसमें मैंने थोड़ा सा मोयम के लिए तेल डाला है, और बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ फ्रेंड इसमें, नहीं तो बिखर जाता है, क्योंकि जो रस है ये रसगुल्ले का, जो रसगुल्ले ने सॉरी गुलाब जामुन का है, तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही तेल होता है, क्योंकि गुलाब जामुन फ्राई करके है ना जब रस में डालते हैं तो वो तेल उसमें बहुत ज़्यादा है ना मतलब निकलता है, तो इसलिए इसमें कम ही डालती हूँ, और ज़्यादा डालने के बाद क्या है ना वो बिखरने का चांस होता है तेल में, तो इसीलिए ना फ्राई करते समय बिखरने का चांस होता है। तो मैंने आटा लगा के फूलने के लिए छोड़ दिया है फ्रेंड्स, और मैंने थोड़ा सा आटा में फ्रेंड नमक भी डाला था, क्योंकि है ना थोड़ा सा मीठा और नमकीन होगा तो टेस्टी लगेगा। और बीच में मैं जल्दी जल्दी रोटी भी बना लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक मेरा आटा फूल रहा है, तो ये देखिए मेरा आटा भी फूल गया है, तो इस बीच मैंने रोटी भी सेक ली, और अब देखिए ये मेरा है ना जो है शक्कर पारे बन के रेडी है, और इसको थोड़ा सा ना मध्यम आँच में ही सेकेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई में ये जलने का डर होगा, क्योंकि मैंने मोटा इसको काटा है, तो शक्करपार जो है थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना अच्छा बना है शक्करपारे, तो आप लोग भी इसे है ना ऐसे ही बनाएं फ्रेंड्स।